अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज मैं एक न्यू प्रोडक्ट आपके सामने लेके हाज़िर हुई हूँ और वो है स्वीट पर्ल का आइज़ ब्लीच, जो कि अभी मैं आपके सामने करूँगी और रिज़ल्ट दिखाऊँगी। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था और इसका दावा है कि ये pH बैलेंस करता है और मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है। तो अभी मैं इसे पहले अप्लाई करती हूँ और आज एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि रिज़ल्ट इसका मुझे कैसा मिलता है, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल है। और इसके पीछे इसका जो है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। और उसके अलावा इसका 5 ग्राम जो है वेट दिया हुआ है, नेट वेट दिया हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर से जो है ये 2 पैकेट्स निकले, एक है वाइटनिंग क्रीम ब्लीच और दूसरा है एक्टिवेटर। तो मैं अभी इसको इसके अंदर जो है बना लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे एंड देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। आज फर्स्ट टाइम आज मैं लोकल मार्केट से एक ब्लीच लिया है जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है और वो मैं अभी अपनी स्किन पे अप्लाई करने लगी हूँ। तो फिर लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। आपको अपनी स्किन दिखा दूँ कि किस तरीके की मेरी स्किन हो रही है इस वक्त, तो इस तरह से हो रही है। अभी मैं इधर ब्लीच अप्लाई करूँगी और फिर दिखाऊँगी कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स करके रख लिया है और अब मैं इसको फ़ौरन से पहले पहले जो है अपनी स्किन पे अप्लाई कर लूँगी और 5 से 15 मिनट जैसे कि इस पर मेंशन है, तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप जो है 5 to 15 मिनट इसे रखेंगे। और अगर 5 मिनट्स के बाद आपको बर्निंग या इचिंग होती है तो आप इसे वॉश कर लेंगे, अदरवाइज 15 मिनट्स रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर फेशियल हेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। इस वक्त जो है मैंने यहाँ पर अपनी स्किन पर अप्लाई कर लिया है और बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट आ रहा है आइज़ के पास, तो बस अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार है। अभी जो है वो 11:10 हो रहे हैं, 11:10 हो रहे हैं, तो हमें जो है 11:25 तक वेट करना है। मुझे तो इससे कोई इचिंग नहीं हुई है, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन यू शुड अप्लाई दिस। रिकमेंडेड दिस ब्लीच बिकॉज मुझे इसका रिज़ल्ट 100% मिला है और आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस। अगर आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।